यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। राष्ट्रीय राजधानी से महज चंद मील दूर बसा हरियाणा का मेवात देश का सबसे पिछड़ा जिला है। विकास के दावों की हकीकत बयां करने वाला ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद सरकार के नीति आयोग ने किया है। नीति आयोग ने शिक्षा, स्वास्थ्य व पोषण जैसे पांच क्षेत्रों के विकास के 49 मानकों पर देश के 101 पिछड़े जिलों की रैंकिंग जारी की है, जिसमें ये सामने आया है। खास बात यह है कि देश के सर्वाधिक पिछड़े 10 जिलों में से 4 अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने ये रैंकिंग जारी करते हुए कहा कि सरकार ने पिछड़े जिलों का कायापलट करने के लिए 101 जिलों की पहचान की है। हालांकि इन जिलों को पिछड़ा जिला न कहकर सरकार ने इन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स नाम दिया है। इन जिलों में केंद्र और सरकार यानी कि राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभारी संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। इन जिलों में प्रगति का जायजा लेने के लिए ही नीति आयोग ने ये बेसलाइन रैंकिंग जारी की है। 1 अप्रैल से ये रैंकिंग रियल टाइम ऑनलाइन देखी जा सकेगी और मई से ये पता चल सकेगा कि किस जिले में कितनी तरक्की हुई है। जो नुह की भयावह स्थिति है जिले की, ये पिछले 15-20 वर्ष में हुई है, क्योंकि इस 15-20 वर्ष में जो रोजगार के साधन, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो सरकार से बाहर प्राइवेट में हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था की बात हो, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि जो सिंचाई के लिए पानी जो हमें मिलता था वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया। उन्होंने जो कुछ मानक जो उन्होंने करे हैं, चाहे वो शिक्षा हेल्थ के हैं, पैरामीटर जो उन्होंने तय करे हैं, उसमें ये रिपोर्ट आई है। हम इस रिपोर्ट को एक बात कहते हैं कि जैसे मैंने पहले कहा कि जो नीतिगत तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके और जो शिक्षा और जो हेल्थ के लिए जो काम किया गया था, उस चीज को इस सरकार ने उस चीज को रोक दिया, और इसी वजह से ये नतीजे जो हैं, जो एक पॉजिटिव चल रहे थे, वो पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव में जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार है।